Hi guys, welcome back. Welcome back to another new video. So कैसे हैं आप लोग? खूब आप बहुत chill में होंगे और मैं अपने thumbnail देख ही लिया होगा. So इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कोविड टाइम में अगर आप फॉरेन कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अगर आप यूएस से, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इंडिया आप ट्रैवल करते हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. सो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा उन लोगों के लिए स्पेशली जो फॉरेन कंट्री से ट्रैवल करना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की क्या क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या हो रहा है और क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम हुआ या क्या क्या हमने मस्ती की. सो चलिए बिना गाइस मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या रिपोर्ट्स बेसिकली कैरी किए, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको ट्रैवल करना है. तो लेट्स चेक इट आउट. तो आज हम यूएस से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और इस ट्रैवल के दौरान हम अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस आप हमसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें कैरी करना है अगर हम जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं. तो देयर आर टू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, दो डॉक्यूमेंट हमें मस्ट है अगर हम यूएस से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं. पहला है कोविड रिपोर्ट और दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. तो ये है कोविड रिपोर्ट जो हमने अभी टेस्ट कराया है और जो कुछ ऐसा होगा, हर एक लैब का अलग अलग रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है बट उस पर आपके सारे डिटेल होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगा और कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव होना चाहिए. हाँ, और ये और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोविड रिपोर्ट भी दो तरह का होता है. एक होता है फास्ट ट्रैक कोविड रिपोर्ट जो 15 मिनट में आई थिंक या 1 आवर में आ जाता है और दूसरा होता है RT-PCR रिपोर्ट, टेस्टिंग रिपोर्ट. तो ये जो हमें ट्रैवल करने के लिए ये स्पेसिफिक है कि RT-PCR रिपोर्ट ही होना चाहिए, जो कुछ क्लिनिक 5-6 घंटे में भी दे देता है और नॉर्मली 24 आवर के अंदर रिपोर्ट बहुत सारे लेबोरेटरी में मिल जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको RT-PCR रिपोर्ट की टेस्टिंग करानी है और वही उसी निगेटिव, पॉजिटिव आ गया तो कहानी खराब हो जाएगा, तो निगेटिव रिपोर्ट की कॉपी आपको लेकर ट्रैवल करना है. और ये रिपोर्ट आपको हर एक जगह चेक किया जाएगा, जैसे अभी हम एयर इंडिया के काउंटर पे गए थे, बिफोर गिविंग द बोर्डिंग पास दे चेक माय रिपोर्ट कि आपका रिपोर्ट निगेटिव है कि नहीं. उसके बाद उन्होंने हमें बोर्डिंग पास इशू किया और हमारा जो भी चेक इन बैग था वो एक्सेप्ट किया. दूसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. आपको अगर ये फॉर्म भी भरना है तो इसके लिए हम कुछ नहीं करना है, अगर गूगल आप करोगे तो एयर इंडिया या दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की उस पर आपको ये मिल जाएगा. तो इस सेल्फ इसको लिंक को ओपन करना है और एक ऑनलाइन फॉर्म है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, उस पर आपका पासपोर्ट नंबर, सारे इन्फॉर्मेशन, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको इंडिया में कहाँ रहना है, आपका कौन सा एड्रेस होगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल, सारे इन्फॉर्मेशन आपको. ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांगते हैं, इंडिया में कहाँ रहना है? वो इसलिए कि कभी फ्यूचर में उन्हें ट्रैक करना हो कि जो बंदे, कितने बंदे किस डेट को आए, अगर कुछ कल के डेट में कोविड वाले सिचुएशन होंगे तो गवर्नमेंट के पास डेटा होगा जिससे वो फिल्टर आउट कर पाएंगे कितने लोग यूएस से आए, इतने लोग इंडिया से आए और ये कहाँ कहाँ है. अगर कल के डेट में कोई टेस्टिंग करनी है कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ इशू आ गया है, हमें उन लोगों को कोई टेस्ट करना है या रिकॉग्नाइज करना है या कॉन्टैक्ट करना है कि कोई इशू है या कुछ है, तो उसके लिए उसके पास डेटा होगा उस डेट के रेंज का, गवर्नमेंट इजीली आपको ट्रेस कर सकती है. तो उसके लिए वो सारा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है. और एक चीज़ अभी चेंज हुआ है, 22 फेब के पहले का रूल और 22 फेब के बाद का रूल. 22 फेब के पहले आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कभी भी भर सकते थे, लेकिन आफ्टर 22 फेब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपके पास निगेटिव कोविड RT-PCR रिपोर्ट हो. और ये टेस्टिंग भी जो है आपको ट्रैवल करने के विद इन 72 आवर्स के अंदर ही करानी है. मतलब आपको जिस दिन करना है, अपना फ्लाइट का टाइम आपको मेज़र करना है, उसे 72 आवर्स सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उस दिन, अगर आपको एग्जांपल, अगर सैटरडे की आपकी फ़्लाइट है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सैटरडे की आपकी फ़्लाइट है तो बेटर टाइम आपके लिए कि आप थर्सडे मॉर्निंग को आप टेस्ट कराओ, दैट इज़ द राइट टाइम फॉर डूइंग द RT-PCR रिपोर्ट. फिर जब आपका इसका रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है
उस पर आपको इस रिपोर्ट की कॉपी भी अपलोड करनी होगी, जिससे गवर्नमेंट के पास इन एडवांस आपको उनके पास आपका रिपोर्ट पहुंच जाए। और उसके साथ आपका पासपोर्ट का कॉपी, और जैसे मैंने पहले बताया कि आपका पर्सनल डिटेल्स जो बोर्ड के बारे में, ये अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस किया है शिकागो एयरपोर्ट पर ये चेक इन करने के बाद। सो देखिए गाइस, अनाउंसमेंट भी हो रहा है, वेयर मास्क। हम बोल भी नहीं सकते, समय का पूर्ण विराम लेना है। तब हमने आपको ये जो दो डॉक्यूमेंट है मैंने बता दिया। अभी तक हमें यही हुआ है हमारे साथ एयरपोर्ट पर, भी हम शिकागो एयरपोर्ट पर हैं। अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे एयरलाइंस में इंटर करते वक्त जो गेट होता है, बोर्डिंग गेट, वहाँ पे क्या फॉर्मेलिटी होती है। फिर जब हम इंडिया में उतरेंगे तो वहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है, वो हम जैसे जैसे हम अपने ट्रैवल के दौरान जिस जो प्रोसेस को हम एक्सपीरियंस करेंगे, उस प्रोसेस एक्सपीरियंस करने के बाद हम आपको शेयर करेंगे। तो अभी तक इतना ही है, हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलिए देखते हैं आगे क्या क्या सब।